फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करते हैं कि ब्लड के अंदर की इम्प्योरिटीज मीन्स गंदगी को कैसे बाहर निकाला जाए और रक्त को कैसे शोधित किया जाए, इसके लिए घरेलू उपाय तथा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो देखिए, ब्लड के अंदर गंदगी बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान जो मेटाबॉलिक पदार्थ बनते हैं उसके दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बन जाते हैं, तो वही अपशिष्ट पदार्थ ब्लड को प्रदूषित करते हैं और गंदगी बढ़ाते हैं। इन्हीं गंदगी को अगर बाहर निकाल दिया जाए और तो बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। दरअसल होता क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी पदार्थ शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं वो बनते हैं, उसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट के रूप में इम्प्योरिटीज़ भी बन जाती हैं। उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को लीवर तोड़ता है, किडनी बाहर निकालती है। अनफॉर्चुनेटली अगर इम्प्योरिटीज़ बढ़ गई तो खराब ब्लड बीमारियाँ उत्पन्न करेगा। तो देखिए, खराब जीवन शैली, खराब आहार, पर्यावरण में विषाक्त पदार्थ और प्रदूषण आपके खून में अशुद्धियाँ पैदा करते हैं। जब खून अशुद्ध होता है तो विभिन्न शरीर प्रणालियों यानी ब्लड बॉडी सिस्टम को अनियंत्रित करेगा। अनियंत्रित इस तरह से करता है कि ब्लड में अगर इम्प्योरिटीज़ बढ़ेंगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम हो जाएगी, और जब डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो सेल को ATP बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, और सेल उतनी इफिशियंटली ATP नहीं बना पाएगा, और अगर इफिशियंटली ATP नहीं बना पाता है तो सेल की पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस मैकेनिज्म प्रभावित होगी। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था धीमे धीमे ख़राब होने लगती है। तो घरेलू उपाय की अगर बात किया जाए ब्लड की इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने के लिए, तो इसके लिए आप सबसे पहले एक बर्तन में एक गिलास पानी उबाल लीजिए, उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डालिए। अब बर्तन को किसी प्लेट में कुछ देर के लिए ढक दीजिए, बर्तन को किसी प्लेट से कुछ देर के लिए ढक दीजिए। जब पानी भूरे रंग का हो जाए तब उस पानी को पी जाइए। तो इस तरह से जो केमिकल हैं तुलसी के वो सब हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं, और वीडियो हैं उसमें आप देखिए दिखाया गया है कि किस तरह से तुलसी जो है हेल्थ को फ़ायदा पहुँचाता है। और दूसरा घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट लें, फिर इसमें नींबू की 2-3 बूंदें, नमक, काली मिर्च मिलाकर सुबह के समय खाली पेट लें। इससे ब्लड धीमे धीमे साफ हो जाएगा। तो देखिए, जो घरेलू उपाय है, आप हफ्ते में एक बार कोई एक घरेलू उपाय अपना सेट कर लीजिए, उसी को हर हफ्ते में एक बार करना है। तो इस तरह से आपकी जो भी मेटाबॉलिक अपशिष्ट बनते होंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे, और इस तरह से आपका ब्लड प्योर रहेगा और दिक्कतें कम की जा सकती हैं, क्योंकि प्रिवेंशन बीमारी को रोकना ज़्यादा अच्छा है ना। और तीसरे घरेलू उपाय की अगर बात किया जाए तो आंवले विटामिन सी से भरपूर होता है, जो लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो देखिए, जो विटामिन सी है ना वो लीवर को रिन्यू करता है, और लीवर अगर रिन्यू होगा तो मेटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि लीवर उसको तोड़ के अलग करता रहेगा। तो इस तरह से रक्त शुद्ध है तो बीमार होने की संभावना क्या जाती है, अपने आप कम हो जाती हैं। तो देखिए, होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जो कि आपके ब्लड की इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने में काफ़ी मददगार होती हैं। तो देखिए, पहली दवा है R60 ड्रॉप्स, डेली 15 बूंद 3 टाइम 1 कप पानी में डालकर पीना है। उसके बाद नेट्रम सल्फ 3x डेली सुबह और रात को 4 टेबलेट्स खाना है, जीभ पर रख देना है और जीभ पर ही गल जाए। और तीसरी दवा है बेलाडोना 30 डेली दोपहर 4 गोली लेना है। तो इस तरह से आपके ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं बाहर निकल जाएंगी। तो देखिए, ये सब जो घरेलू उपाय हैं या फिर दवा है, आपको 1 साल में 2-3 बार आप लेते रहना है, 2-2, 3-3 महीने के अंतराल पर, तो आपकी जो भी इम्प्योरिटीज़ बीमारियां पनप रही होंगी वो बाहर निकलेंगी। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार ले लीजिए 6 महीने 2 महीने, ऐसा कुछ नहीं लेना है। 15 से 20 दिन आप एक बार ले लीजिए, फिर 2-3 महीने बाद फिर 15 से 20 दिन लीजिए। तो इस तरह से रेगुलर सफाई करनी पड़ती है शरीर की, ताकि व्यवस्था ठीक से चलती रहे। तो ये जानकारी अगर आप